नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों से संबंधित 250 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो है इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले एग्जामों में आए हुए हैं और यहाँ से ही ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो शायद ऊपर कोने में जो 3 डॉट इन पे क्लिक करके आप जो हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबा, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो हितोपदेश जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नारायण पंडित जो है हितोपदेश के लेखक हैं और जो विष्णु शर्मा है ये पंचतंत्र के हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक इनमें से कौन था? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, फिरदौसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इनमें से एक रचना कालिदास की नहीं है तो ये रहेगी मुद्रा राक्षस, तो ये जो है विशाखादत्त के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता इनमें से कौन थे? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, भरतमुनि जो है ये नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास हमें ज्ञात होता है? तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर का। और जो कल्हण जो आचार्य है उनकी रहेगी राजतरंगिणी, तो इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सहजादियों ने में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? तो हुमायूं नामक जैन में से किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये रहेगी गुलबदन बेगम के द्वारा, सी आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो यहाँ पर कालिदास की एक रचना है तो ये कौन सी है? सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मालविका अग्निमित्रम जो यहाँ पर दी गई है ये कालिदास की रचना है। सुधरा कमरीश का टीका है, बारहवीं का किरातार्जुनीयम और दंडिका दस कुमार चरी। अगला क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार इनमें से कौन है? तो रघुवंश जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, महर्षि कालिदास। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक इनमें से कौन है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है और मेघ तनेज की इंडिका रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक इनमें से कौन थे? तो हर्षचरित इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ये इनके दरबारी कवि थे और इनका संबंध थानेश्वर से माना जाता है, राजा हर्षवर्धन का जो इस समय कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किन की रचना है? तो ये रहेगी महर्षि पतंजलि की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो महर्षि कालिदास द्वारा रचित एक पुस्तक इनमें से नहीं है तो ये रहेगी मिर्च कटी की, ये रहेगी शूद्रक के द्वारा विरचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर चरक संहिता का संबंध इनमें से किससे है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, चिकित्सा से जो इसका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो बीजक जो है किसके वचनों का संग्रह है? सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, तो बीजक जो है ये कबीर के रचनों का संग्रह है और ये जो क्वेश्चन है UPSC के एग्जाम में पहले पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पद्मावती कथा के लेखक इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, काव्यादर्श, तो यहाँ पर जो ये काव्यादर्श नामक जो ग्रंथ दिया गया है इसके रचयिता इनमें से कौन है? तो इसमें हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दंडी जो महर्षि जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ रहेगा काव्यादर्श। अगला क्वेश्चन है, नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली इनमें से किन की रचनाएं हैं? तो ये जो यहाँ पर कृतियाँ दी गई हैं ये रचनाएं इनमें से किसकी हैं? तो ये रहेंगी महर्षि हर्षवर्धन की। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा के लेखक इनमें से कौन थे? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा,
गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है मिताक्षरा किन की रचना है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विज्ञानेश्वर। और दोस्तों हाल ही में जो ग्राम सचिव का एक एग्जाम हुआ है उसमें भी इनमें से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये रहेंगे। अगला क्वेश्चन है मिताक्षरा, तो यहाँ पर मिताक्षरा से इनमें से किसका संबंध है या किसका इसमें वर्णन है, तो इसमें हिंदू विधियों के बारे में बताया गया है। और किसकी जाय कृति है, तो ये विज्ञानेश्वर की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लीलावती पुस्तक, ये जो लीलावती जो दी गई है ये इनमें से किन की पुस्तक है, किससे संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, तो गणित से इसका संबंध है। और ये जो क्वेश्चन है इसी तरह का एक मिलता जुलता क्वेश्चन DSSB के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध इनमें से किससे है, तो ये किन की रचना है, तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी ग्रंथ रचना है और इसमें किसका वर्णन है, ये किससे संबंधित है, तो ये व्याकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम इनमें से क्या है, तो अन्य नाम जो है इनको जय संहिता के नाम से या जाना जाता है या इसको सतशास्त्रीय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसमें 100,000 जो है श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है भूचरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है, तो इसमें जो सेंसर ऑप्शन डी रहेगा, अश्वघोष की, भूचरित, सुंदरनंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये जो अश्वघोष की कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा महाभाष्य किसकी कृति है, तो इसमें जो महाभाष्य है ये भी महर्षि पतंजलि का है, योगशास्त्र विजयिनी का ही यह ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है नीति शतक के लेखक कौन हैं, तो इनमें से भर्तृहरि जो है इनके द्वारा नीति शतक ग्रंथ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, तो वराहमिहिर द्वारा लिखी हुई पुस्तक ये रहेगी ऑप्शन सी, वृहत संहिता। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किरातार्जुनीयम इनमें से किन की कृति है, तो ये रहेगी महर्षि भारवि की। अगला क्वेश्चन रहेगा मृच्छकटिकम इनमें से किन की रचना है, तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, महर्षि शूद्रक की। और जो यहाँ पर मुद्रा राक्षस दिया गया है ये किन की कृति है, तो ये रहेगी विशाखा दत्त की। अगला क्वेश्चन है दस कुमार चरित अथवा दस राजकुमारों की कथाओं का जो वर्णन है इसके रचयिता कौन है, तो महर्षि दंडी जैन के रचयिता रहेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, तो ये जो पंच सिद्धांतिका जो दी गई है इसके लेखक कौन है, तो ये रहेंगे वराहमिहिर, सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा मत विलास प्रहसनम इनमें से रचना किन की है, तो ये जो रचना है ये रहेगी महेंद्र वर्मन की, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है स्वप्नवास दत्तम, तो इसके लेखक इनमें से कौन है, तो महर्षि जो भास है इनके द्वारा रचित है और भास के 13 नाटक लिखे गए हैं, उन्हीं में से जो है कि ये स्वप्नवास दत्तम नाटक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक इनमें से कौन है, तो ये रहेंगे चंद्र बरदाई। अगला क्वेश्चन है कपालकुंडला, तो कपालकुंडला जो यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं इसके रचित इनमें से कौन है, तो ये रहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गण देवता किन की रचना है, तो यहाँ पर गण देवता जो है ये दी गई है ये इनमें से किन की रचना है, तो ये रहेगी ताराशंकर बंदोपाध्याय की। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है, तो ये रहेंगे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, तो ये रहेगी हुमायूंनामा। एग्जाम में पुस्तक भी दी जा सकती है या उसके लेखक भी किसी भी माध्यम से एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है ये रहेंगे मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है, ये पुस्तक दी गई है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, तो इसके जो लेखक है ये शूद्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये रहेगा बीजक में,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि द्वारा रचित जो ग्रंथ है रामायण, तो इनकी रचना कौन सी भाषा में हुई है? तो ये जो है संस्कृत में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ इनमें से नहीं है, तो ये रहेगा सारिपुत्र प्रकरण प्राक्रम, यहाँ पर सारिपुत्र प्रकरण भी हो सकता है, तो ये अशोकवंश की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पर कालिदास द्वारा रचित एक ग्रंथ इनमें से नहीं है, तो ये रहेगी कादम्बरी, बाणभट्ट द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ रहेगा अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, तो ये जो बाबरनामा जो है यहाँ पर मूल रूप से कौन सी भाषा में ये लिखा गया है? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पुस्तक कथा श्री सागर के लेखक कौन है? तो इसमें रहेंगे ऑप्शन डी सोमदेव। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है ये गणित से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक देवचरित के लेखक इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे बिल्हण, बिल्हण की रहेगी विक्रमांक देवचरित, कल्लण की राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर कामसूत्र जो दिया गया है इसके लेखक रहेंगे वात्स्यायन। नेक्स्ट है, गोरा किसकी रचना है? एग्जाम की दृष्टि से जाए महत्वपूर्ण रहेगा, गोरा किन की रचना है? तो यह रहेगी रविंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई एक पुस्तक है? तो ये कौन से विषय पर लिखी गई है? तो इसका संबंध रहेगा राजनीति से। अगला क्वेश्चन है, कबीर के दोहों का संग्रह का नाम क्या है? तो कबीर के जो दोहे हैं इनका संग्रह का नाम क्या है? तो ये रहेगा बीजक। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, आंसर ये वही होता है जो आपको याद होता है, लेकिन उसकी जहाँ पूछने का जो लाइनें हैं स्टाइल है वो बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने इनमें से किसकी रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कालिदास द्वारा रचित जो मालविका अग्नि मित्र जो है इनमें से क्या है? तो ये जो है नाटक है। नेक्स्ट है, पंचतंत्र, तो पांच जो है इसमें तंत्र हैं, तो इसी के आधार पर पंचतंत्र नाम रखा गया है। तो इसमें रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है ये रहेंगे विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, श्री मद्भागवत के रचना इनमें से किन के द्वारा की गई है? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा, और महाभारत भी इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, रजमनामा ग्रंथ का फारसी अनुवाद इनमें से किस में है? तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मिलिंद पन्हो इनमें से एक है, तो ये क्या है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तो ये एक पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के द्वारा जो अभिज्ञान शकुंतलम जो ग्रंथ लिखा गया है इसका अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो ये लेखक कौन है? ये रहेंगे विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, और यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ये जो है एक मुगल शासक थे तो जिनके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई थी, वो तो ये थे बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उपनिषदों का फारसी भाषा में जो अनुवाद है ये किन के प्रयास से हुआ था? तो इसमें सेंसर ऑप्शन डी रहेगा, धारा सिको के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, धारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो इसमें सेंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिर ए
अकबर। तो दर्श कौन है, जो सिर अकबर है इसके अंतर्गत तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, यह भी जो क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है इसके शीर्षक कौन है, तो इसके शीर्षक रहेंगे रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत, मेघदूत जो यहाँ पर दिया गया है इसके लेखक कौन है, तो मेघदूत जो दिया गया है इसके लेखक रहेंगे महर्षि कालिदास, और खंडों में ये बटा हुआ है पूर्व और उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये रहेंगे योग सूत्र के लिए जो है महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो ये रहेगा कुमार संभव, महर्षि भगवान शिव और पार्वती और उनका पुत्र जो कार्तिकेय है उनके जन्म के बारे में इसमें वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध इनमें से किन के द्वारा किया गया है, तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी मनु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की है, कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है किनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा मालविका अग्निमित्रम और नाटक है, किरातर जन्म भारवी का है, शूद्रक की मरीचिका टीका है, दस कुमार चरित दंडी का है। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो ये महर्षि कालिदास की जो एक कृति रहेगी। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति जो ग्रंथ है इसका लेखक कौन है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति ये रहेगी हरिसेन, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का इसमें वर्णन हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ए जो हमारा सी आंसर रहेगा, मिलिंद पन्हो जो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु है नागसेन इनके बीच में इसमें संवाद हुआ है। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो कौटिल्य द्वारा जिसे चाणक्य भी जाना जाता है, तो इनका दूसरा नाम कौटिल्य है, कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य है, इनका रचित ग्रंथ है अर्थशास्त्र, तो इनमें से किस पर प्रकाश डालता है, तो ये जो है राजनीति के बारे में बताता है, राजनीति नीतियों के बारे में। अगला क्वेश्चन रहेगा चरक संहिता की विषय वस्तु इनमें से क्या है, तो ये रहेगी औषधि, सेंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऋतु संहार किसकी कृति है, तो ये रहेगी कालिदास की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है, कल्लण की जो ग्रंथ है राजतरंगिणी, तो ये कौन सी भाषा में है, ये रहेगा संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है मालती माधव इनमें से किन की कृति है, तो मालती माधव के रचयिता रहेंगे महर्षि भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथाएँ किसके जीवन पर आधारित है, ये जो जातक कथाएँ यहाँ पर दिया गया है किन के जीवन पर यह आधारित हैं, तो ये रहेंगी बोधिसत्व पर, महर्षि जो बुद्ध है भगवान बुद्ध उनके बारे में जो ये बताती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आयने अकबरी के लेखक इनमें से कौन है, तो इस ग्रंथ के जो लेखक हैं ये रहेंगे अबुल फजल। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक इनमें से इसके रचयिता कौन हैं, तो ये हैं रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं, तो ये हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं, तो इसके जो लेखक हैं ये रहेंगे वी एस नोयपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये इनमें से किन का द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है, तो ये रहेगा अरुंधति राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये रहेगी खुशवंत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तकों के जो लेखक है ये इनमें से कौन है, तो इसके लेखक रहेंगे ए पी जे अब्दुल कलाम, सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये रहेंगे नीरज सी चौधरी। अगला क्वेश्चन रहेगा अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक रहेंगे बी एम कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा हुआ नाटक ये रहेगा आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक इनमें से किसकी कृति है? तो ये रहेगी लुइस फिशर के द्वारा, सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये रहेंगे संजय बारू। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन हैं? तो ये रहेंगे दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक जो पुस्तक है ये इनमें से किन की रचना है? तो ये रहेगी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो मार्क तुली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा, तो ये रहेगी टूथ एंड लिटिल मेलिस, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार इनमें से कौन है? तो आर के नारायण के द्वारा जो है लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंटायरमेंट्स नामक पुस्तक इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक, तो गुलामगिरी के लेखक इनमें से कौन है? ये रहेंगे ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी ये इनमें से किन की कृति है? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, होमर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन डी, MK गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है इसका शीर्षक क्या है? तो ये रहेगा विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी पुस्तक है एक ब्रोकन विंग्स, तो इसकी रचयिता कौन है? इसकी ये इनमें से किन की कृति है? तो ये रहेगी सरोजनी नायडू की। अगला क्वेश्चन रहेगा, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? तो ये वैज्ञानिक रहेंगे स्टीफन हॉकिंस। अगला क्वेश्चन रहेगा, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर गुड अर्थ जो पुस्तक है इसके लेखक तो ये रहेंगे पर्ल एस बक, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रहेंगे रूसो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाए रहेगा और CDS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक तो ये हैं सलमान रुश्दी, सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किन की कृति है? तो जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन है, मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मदर नामक पुस्तक के लेखक राइट आंसर ऑप्शन बी, मैक्सिकम गोर्गी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एज यू लाइक इट, तो ये जो एज यू लाइक इसके रचयिता में से कौन है? सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विलियम शेक्सपियर जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ रहेगा एज यू लाइक इट। और जो यहाँ पर ये मदर जो दी गई है ये भी जाया बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जाया बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मैक्सिकम गोर्गी। अगला क्वेश्चन है, ग्लिपेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके रचयिता रहेंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक रहेंगे ऑप्शन बी, VS नॉयपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर एंड पीस पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये किन के द्वारा लिखी गई थी? सी आंसर ऑप्शन सी, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के
लेखक कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है द प्रिंस की रचना है, तो द प्रिंस यहाँ पर इनमें से किन की रचना है? ये रहेगी ऑप्शन बी मेकिया वेली की। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक रहेंगे ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस यहाँ पर दी गई है इसके नाटककार कौन है? तो ये रचयिता कौन है? सिंसर ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस, सॉरी सिंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किनके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ टिवान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पुस्तकें हैं, तो लाइफ टिवान पुस्तक इनमें से किनके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, अरविंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ललिता इनमें से किन की कृति है? सिंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी व्लादिमीर नोवाकोव की। पहला क्वेश्चन रहेगा मेन कैंप के लेखक कौन है? तो मेन कैंप जो यहाँ पर पुस्तक है इसके लेखक रहेंगे हिटलर। पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द गाइड इनमें से किन के द्वारा रचित है? ये रहेगी आर के नारायण के द्वारा, मालगुडी डेज, तो ये जो है इनकी कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम, तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है इनका नाम रहेगा ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियो टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो ये जो इनमें से कौन सी है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वार एंड पीस। तो लेव टॉल्स्टॉय की जो ये प्रसिद्ध पुस्तक थी जो महात्मा गांधी के विचारों को इन्होंने प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा कुली के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है कुली, इसके लेखक कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट रहेगा यूटोपिया किसकी रचना है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए थॉमस मोर की। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर जो हिंद स्वराज ये पुस्तक आई है इसके लेखक कौन है? ये रहेंगे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन रहेगा यशोधरा किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यशोधरा, इनमें से किन की रचना है? और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पहले भी एग्जाम में पूछ गया है। तो यहाँ पर यशोधरा इनमें से किन की रचना है? रहेगी मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ, इसके जो रचयिता है रहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ जो सेंसर ऑप्शन बी रहेगा फिराक गोरखपुरी जो है ये गुल ए नगमा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत दुर्दशा जो पुस्तक है ये इनके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक रहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन रहेगा सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इनमें से किन के द्वारा किया गया था? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी गुरु अर्जन देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चितंबरा इनमें से किन की रचना है? तो ये रहेगी सुमित्रानंदन पंत की, सेंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सत्यार्थ प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गीता रहस्य इनमें से किसकी रचना है? तो सेंसर ऑप्शन ए रहेगा बाल गंगाधर तिलक की। अगला क्वेश्चन आएगा घासीराम कोतवाल के लेखक, ये हैं ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थी गीतांजलि के लिए, ये भी जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन आएगा आग का दरिया पुस्तक के लेखिका कौन है?
ये पुस्तक है आपके दरिया, तो इसकी लेखिका इनमें से कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन ए कुर्तुल एन हैदर। नेक्स्ट आएगा हीरानंद वात्सन अज्ञे की लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है? सिंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी कितनी नाव में कितनी बार। तो ये जो है हीरानंद वात्सन अज्ञे के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से जान जाती है? तो ये रहेगी आनंद मठ, इन्हें बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो महात्मा ये जो एम के गांधी जो है इनके द्वारा लिखी पुस्तक तो ये थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, अर्थात जो महात्मा गांधी जो है इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला क्वेश्चन रहेगा कामयानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन की रचना है? तो यह रहेगी जयशंकर प्रसाद की। और ये इसी तरह इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हाल ही के जो ग्राम सचिव का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के रचनाकार? तो ये हैं ऑप्शन ए वृंदा वनलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मधुशाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, मधुशाला के लेखक कौन है या रचयिता इनमें से कौन है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन और महर्षि जो अमिताभ बच्चन जो है उनके ये पिता थे। अगला क्वेश्चन है साकेत, ये भी जब महत्वपूर्ण रहेगी, साकेत के रचयिता कौन है? ये है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण नाटक काशमंद इनमें से किससे है? ये रहेगा नील विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिख नामक पुस्तक लिखी है? तो इसके रचयिता हैं खुशवंत सिंह और ये भी जो है एसएससी के एग्जाम में हाल ही में 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अरविंद अर्निंग। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सूची एक को दो के साथ मिलान करना है, इसमें हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 3, 2, 1 और 4। तो इन जो कस्टडी जो है इसके लेखक रहेंगे अनिता देसाई, सी ऑफ पॉपीज ये रहेगी अमृता सेन और द आर्गुमेंटेटिव इंडियन इसके रहेंगे सॉरी इसके हैं यहाँ पर अमिताभ घोष और द आर्गुमेंटेटिव इंडियन इसके रहेंगे अमर्त्य सेन और अनकस्टमर्ड अर्थ इसके हैं झुम्पा लाहड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पुस्तक द लो लैंड जो है इसके लेखक कौन है या इसका लेखक इनमें से किन के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा झुम्पा लाहड़ी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रहेंगे फरीद जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक सही नहीं है या सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन सी एशियन ड्रामा। तो इसके जो है यहाँ पर मिलान जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द ओडे सिटी ऑफ होप, द ओडे सिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बराक ओबामा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और बहुत बार जाए भी एग्जाम में 8 और 11 में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा अंधायुग के लेखक कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रहेंगे जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रोमांटिक नाटक कादंबरी, तो ये कादंबरी जो है एक नाटिका है, तो इसके लेखक कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन ए महर्षि बाणभट्ट जो है इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है ये कादंबरी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लाइफ ऑफ पाई, ये भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए जान मार्टेल, ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बीक मिंग का जो लेखक है ये कौन है? ऑप्शन सी यहाँ पर सी आंसर रहेगा मिशेल ओबामा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुस्तक इट वाज फाइव फास्ट मिडनाइट, तो इसका विषय इनमें से क्या है? तो ये रहेगा भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी, जिसके क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जो इस विषय पर आधारित थी, इज वाइज इट वाइज फाइव फास्ट मिडनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा, ये इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो ये पुस्तक है पिंजर, इसके लेखक कौन हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी द्वारा जो आत्मकथा लिखी हुई है ये कौन सी भाषा में है? ये रहेगी ऑप्शन बी, गुजराती में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडम फॉर फियर, तो ये रहेंगे आंग सेन सू की, सी आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस के लेखक कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए, बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्रिकेट माई स्टाइल किताब के लेखक इनमें से कौन है? ये प्रसिद्ध पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल, और ये भी जब बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रहेगी कपिल देव की। अगला क्वेश्चन रहेगा, इन ए फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है इन ए फ्री स्टेट, तो इसके जो रचयिता है रहेंगे वी एस नोयपोल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक शेम, तो ये इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुस्तक स्टेट फ्रॉम दी हार्ट के लेखक कौन हैं? तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक रहेंगे कपिल देव। अगला क्वेश्चन रहेगा, शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक यह रहेगी स्पीड पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, झुम्पा लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम जिसके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स को मैन बुकर के लिए पुरस्कार मिला था? तो ये थे किरण देसाई, सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर पुस्तक ट्रूथ लव एंड लिटिल मलिस इनमें से इसके रचयिता कौन है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है? ये रहेंगे देवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया ये किसके द्वारा रचित है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी, ई एम फोस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गीत गोविंद के रचयिता, तो ये रहेंगे जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लेखक कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा तो ये इसके लेखक या लेखिका जो है इनमें से कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन बी, तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन रहेगा, दास कैपिटल के लेखक इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधी जीवन ये पुस्तक इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डी हमारा सी आंसर रहेगा, सचिंदर सियाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो सही आंसर जो आपने इसमें एक बताना है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, हिलेरी क्लिंटन, तो इनकी रहेगी लिविंग हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वेंट रॉन्ग जो पुस्तक है इसकी लेखिका कौन है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सी आंसर रहेगा, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से एक जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पर एक जोड़ा सही नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन डी, विशाखा दत्त के द्वारा रचित ग्रंथ है मुद्रा राक्षस और क्रियातर्जनियम है भारवी की। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से
कौन सी पुस्तक वी एस नॉय पॉल ने लिखी है? तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी, यहाँ पर सी आंसर रहेगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस। अगला क्वेश्चन है, नंबर्स टू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आकाश चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी पूछा गया है, प्लेइंग इट वे पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो सह लेखक यहाँ पर पूछा गया है, तो इसके सह लेखक इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बोरिया मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ जनरी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शन नामक पुस्तक इनमें से किन की कृति है, किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये रहेगी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम सेठ कौन सी किताब लिखी गई है? तो विक्रम सेठ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो ये रहेगी ऑप्शन डी, एन इक्वल म्यूजिक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक इनमें से तिलक ने लिखी है? तो तिलक द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है ये रहेगी ऑप्शन बी, गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक जो पुस्तक है ये इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी, यहाँ पर सी आंसर रहेगा, तो प्लेटो के द्वारा रचित जो पुस्तक है ये रहेगी रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये कौन से भारतीय है जिसने द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक लिखी है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, आर के नारायण के द्वारा लिखी हुई पुस्तक रहेगी द इंग्लिश टीचर। तो यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इनके द्वारा एक नहीं लिखी गई है, तो वो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गार्डनर जो है यहाँ पर ये इनके द्वारा रचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सैटानिक वर्सेज तो ये इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है? इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सलमान रुश्दी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है? तो उनके द्वारा एक इनमें से जो है उपन्यास नहीं लिखा गया है, तो इसमें से आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सुनील गावस्कर द्वारा लिखी हुई पुस्तक, तो इसमें से आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सनी डेज। तो ये जो सनी डेज जो है यहाँ पर ये सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी इनमें से किसने लिखी है? तो ये हिंदी भाषा में लिखी गई है राग दरबारी, तो इसके जो रचयिता है रहेंगे श्री लाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनस्टेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो उसी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कर्ण जौहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक राज तरंगनी के लेखक कौन है? तो इसके रचयिता इनमें से कौन है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तो कलन की जो है राजतरंगनी पुस्तक ये रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अष्टाध्यायी तो यहाँ पर अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महर्षि पाणिनि जो है ये अष्टाध्यायी के रचयिता यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंग्लैंड इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन डी, नीरज सी चौधरी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास है द प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जेन ऑस्टिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किन के अनुभव पर आधारित है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विंग्स ऑफ फायर के लेखक इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए हमारा सी आंसर रहेगा, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर एक विकल्प सुमेलित था इनमें से सही है, तो ये आपने बताना है। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, द पैसेज टू इंडिया ई एम फोस्टर के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विक्रम सेठ ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है ये रहेगी ऑप्शन ए, द गोल्डन गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब निर्वसन के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसके लेखक इनमें से कौन है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तस्लीमा नसरीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तमस के लेखक कौन है? ये एक उपन्यास है तमस, इसके लेखक ऑप्शन ए हमारा सी आंसर रहेगा, भीषम साहनी। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? तो यहाँ पर भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध लेखक है, तो इसमें सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, किरण देसाई। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें से एक अलग है, सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, ये रहेगी अकबर नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? तो इनके द्वारा जो पुस्तक है ये रहेगी ऑप्शन डी, प्ले इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के रचयिता इनमें से कौन है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एन आर नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक सही नहीं है, सी आंसर ऑप्शन ए, कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा जो है ये यहाँ पर गलत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत एक खोज अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, तो भारत एक खोज के लेखक इनमें से कौन थे? सी आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दे देन वन डे ए मेमोयर, ये एक आत्मकथा है, तो किन के द्वारा लिखी गई है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, वेरी इंपॉर्टेंट है, वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक इनमें से कौन है? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नटवर सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी, रफीक जकारिया। अगला क्वेश्चन है, द टीन ड्रम किस नोबल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गुटरग्रास की। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन डी, मुल्कराज आनंद। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर की कथाओं का जो संकलन है ये इनमें से किन के द्वारा किया गया था? सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो इनमें से एक अलग है, यहाँ ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की जारी रहेगी, और अन्य तीन कृतियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनके द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? यह रहेगी ऑप्शन डी, काबुलीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? तो सेंसर ऑप्शन सी रहेगा, युवराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये थे ऑप्शन डी, चेतन भगत, तो इनके द्वारा जो है पुस्तक लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, डेटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बेनजीर भुट्टो। अगला क्वेश्चन है, द किंगडम ऑफ गॉड्स विद इन यू पुस्तक इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये रहेगी ऑप्शन ए, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वी एस नोईपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, तो इसके रचयिता कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर जो पंक्ति है पुस्तक जो है ये किन की रचना है? इसमें सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जॉन किट्स की, वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन इनमें से किन के द्वारा किया गया है? तो इसका प्रकाशन किन के द्वारा होता है? सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन डी, महाश्वेता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें से एक अलग है, ये रहेगी ऑप्शन बी,
जंगल बुक, और जो दी गई है द गाइड स्वामी एंड फ्रेंड्स मालगुडी डे, सभी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो ये थे विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? तो इसमें सेंसर ऑप्शन ए रहेगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है? तो ये ऑप्शन सी से आंसर रहेगा यहाँ पर, मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस प्रख्यात समाज सुधारक ज्ञान योग कर्म और राजयोग नामक पुस्तकों के लेखक हैं? तो ये रहेंगे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 2017 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू, तो इसके लेखक कौन हैं? तो ये थे ऑप्शन डी, शशि थरूर जो इसके लेखक हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के लेखक और उनके रचनाओं से संबंधित या महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।